झांसी के ग्राम चकारा में किसानों की समस्याओं को लेकर किसान कांग्रेस ने पंचायत आयोजित की, जिसमें किसानों ने गांव के एक चौराहे पर एकत्र होकर चौपाल लगाई, जिसमें ग्रामीण किसानों की समस्याओं को लेकर किसान कांग्रेस ने प्रदेश अध्यक्ष शिव नारायण सिंह परिहार ने समस्याओं को लेकर एक चौपाल लगाई, जिसमें किसानों की विभिन्न समस्याओं को सुना। वहीं बैलगाड़ी में सवार होकर केंद्र सरकार के विरोध में धमाकेदार प्रदर्शन भी किया, जिससे किसानों के प्रति अनदेखी की जा रही है। सरकार ने किसानों की समस्याएं जल्दी से जल्द नहीं सुनी तो ग्रामीण क्षेत्र के किसान भुखमरी जैसी आपदाओं से जूझ रहे हैं। आए दिन किसान कर्ज से फांसी लगाकर आत्महत्या कर रहे हैं, लेकिन सरकार के कान में जू तक नहीं रेंग रही है। अगर समय रहते सरकार ने किसानों की समस्या का निस्तारण नहीं किया तो हम धरना प्रदर्शन चक्का जाम को बाध्य होंगे, जिसकी सारी जवाबदारी जिला प्रशासन की होगी। सारी बाइट लगाएं। का नाम है दादाजी आप? रणवीर सिंह। कौन सा गाँव है जो? ये चकारा है। समस्या क्या है आपकी? समस्या हमारे गाँव में तमाम समस्या है। सबसे पहले तो जो हमारे गांव में समस्या है अन्ना जानवरों की, इतने अन्ना जानवर है 1000 से ऊपर से ज़्यादा, किसी भी किसान की फसल बचती नहीं है, चाहे बो दो चाहे वो खेत में रखा है ताल लगा कुछ भी करे, लेकिन अन्ना जानवर रात में भी आते हैं, किसान परेशान है, दिन रात 24 घंटा कहाँ तक जाएंगे। और दूसरी समस्या है जो पाइपलाइन खेतों में बिछाई जा रही है, फसल इतनी इतनी बड़ी हो गई है, किसानों का नुकसान हो रहा है, 10,000 रुपया क्विंटल मटर खरीद के वो ही है, तो ये सब उखाड़ के सब एक तरफ, इसका हर्जाना कौन देगा, इसके सब बताइए अब किसकी जिम्मेवारी, ये सब सरकार की जिम्मेवारी है, लेकिन ये सब समस्या किसान को भुगतनी पड़ रही है। आज नेताजी किसानों की कुछ समस्याएं सुनी गई, क्या समस्याएं थी वहाँ पर, किस तरह का जुलूस निकाल रहे थे आप लोग वहाँ पर? देखिए, जहाँ एक और पूरे भारतवर्ष का किसान आज दिल्ली में आंदोलन कर रहा है अपने खेतों को छोड़कर, आज जो केंद्र की सरकार ने कृषि विधेयक बिल लाई है, जो 3 बिल लाई है, उसके विरोध में पूरे देश का किसान आज दिल्ली में है। वहीं दूसरी ओर बुंदेलखंड के जनपद झांसी में आज एक चौपाल का आयोजन हुआ है किसान कांग्रेस के बैनर तले, जिसमें किसानों की जो पीड़ा है, जो समस्या है, उसको सुना गया है। आज पूरे बुंदेलखंड के अंदर किसानों की फसलों का वाजिब दाम नहीं मिल रहा है। सरकार ने कहा था, केंद्र सरकार ने कहा था कि 2022 में हम किसानों की आमदनी दुगनी कर देंगे। बात हुई थी किसानों को MSP के आधार पे उनकी उपज का सही मूल्य देने की। आज धान का किसान जिसकी 1888 रुपए MSP है, वो किसान 1,111 रुपए में अपना धान बेच रहा है। मूंगफली का किसान जिसकी MSP 5200 है, आज वो किसान 3,000 रुपए क्विंटल में अपनी मूंगफली बेच रहा है। आज पूरे बुंदेलखंड में अन्ना जानवरों के आतंक से पूरा किसान बेहाल है, किसान खून के आंसू रो रहा है। इन्हीं समस्याओं को लेकर आज हम लोगों ने पंचायत की है। आज भी एक नई समस्या खड़ी हुई है, जब किसानों ने खेतों में अपनी फसल बो दी तो पेयजल योजना के अंतर्गत किसानों के खेतों के किनारे जो पाइपलाइन डाली जा रही है, उस पाइपलाइन डालने में JCB द्वारा किसानों की फसलें बर्बाद हो रही हैं। तो कई प्रमुख मुद्दों पर आज चर्चा हुई। किसानों ने कहा कि अगर हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है तो फिर हम रोड पर उतरेंगे और आंदोलन करेंगे, ये किसानों ने कहा और कांग्रेस पार्टी ने कहा। KNN न्यूज़ के लिए झांसी से विपिन सिंह की रिपोर्ट।